दिल्ली यूनियन उपचुनाव में एक थप्पड़ कांड के बाद जो हुआ उसके निशान वहां के लोगों के जहन से उम्र भर नहीं जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव के एक बूथ पर जबरन वोटिंग करवाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। नरेश के समर्थकों और पुलिस के बीच देर रात झड़प हुई और पूरा समरावता धू धू कर जल उठा। कई मकान टूटे, सैकड़ों वाहन जला दिए गए, दर्जनों लोगों के हाथ पैर टूट गए। अब नरेश मीणा टोंक जेल में बंद है। उन्हें शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन उनके समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर उन्हें लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। यही नहीं, उन्हें लेकर अब स्थानीय भाषा में कई गाने भी तैयार हो चुके हैं जो जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहे हैं। इधर थप्पड़ कांड को लेकर भजनलाल शर्मा के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मीणा ने कहा है कि समरावता में जो हुआ वो टारगेटेड था, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने कार्रवाई करने में देरी की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा किसी भी हाल में नहीं जाएगा और निर्दोषों को छोड़ा जाएगा। गांव को डर से मुक्त करने के लिए पुलिस छावनी न बनाया जाए। वहीं आरएएस अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात के बाद अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। पूरे मामले में मचे बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अभी भी पूरे अलर्ट मोड पर है। कुछ इलाकों में आज भी मीणा समर्थकों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा था उसके बाद से इस मामले ने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लिया। दरअसल एसडीएम अमित चौधरी जाट समुदाय से आती हैं और थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा के प्रति जाट समुदाय में नाराजगी देखने को मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने भी नरेश मीणा के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से इस मामले पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन जो समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ही देखना होगा कि न्यायिक हिरासत पूरी करके जब नरेश मीणा बाहर आते हैं तो उनका कैसा रवैया रहता है और कैसा उन्हें उनके लोगों के द्वारा समर्थन मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।